खबर चंदौली से है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर नामी कंपनियों के नाम पर मिलावटी नकली सीमेंट बेचे जाने की सूचना के बाद सीओ सदर त्रिपुरारी पांडे ने दलबल एक फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां के फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 300 से अधिक नामी कंपनियों के बोरियों में पैक नकली सीमेंट बरामद हुए, साथ ही सैकड़ों की संख्या में नामी कंपनियों की खाली बोरियां भी बरामद हुई हैं। पकड़े गए संचालक से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले और उसमें जल्द ही लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जनपद में बड़े पैमाने पर दुकानों के जरिए ब्रांड कंपनियों की बोरी में पैक कर नकली सीमेंट बेचने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए सीओ सदर ने नकली सीमेंट फैक्ट्री के खोजबीन में पूरी ताकत लगा दी और आज सटीक सूचना मिलने पर अली नगर थाना क्षेत्र के हथेरवा गांव में पुलिस टीम के साथ छापा मारा। इस दौरान मौके से मजदूर तो भाग निकले, लेकिन मौके पर ही फैक्ट्री संचालक मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर निवासी जैनुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा देख पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। फैक्ट्री के अंदर जेपी सीमेंट, एससीसी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी के लेबल लगे बोरियों में नकली सीमेंट पैक कर रखा हुआ था और सैकड़ों की संख्या में नामी कंपनियों की खाली बोरियां बिखरी पड़ी थी। 300 से अधिक सीमेंट बोरियों में पैक फैक्ट्री से बरामद की गई। आरोपी जैनुद्दीन से पूछा गया तो नामी कंपनियों का बोरियों में किस प्रकार नकली सीमेंट भरा जाता है उसको करके पुलिस टीम को दिखाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वहीं सीओ सदर ने बताया कि नकली सीमेंट फैक्ट्री में छापेमारी की गई है और नकली सीमेंट फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री संचालक को मौके से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली उसमें लोगों के नाम सामने आए, जल्द पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है, कैसी छापेमारी चल रही है? आज हमारे यहाँ थाना प्रभारी अली नगर को सूचना मिली थी नकली सीमेंट बनाने की, तो यहाँ मौके पे हम लोग आए और यहाँ पे जैनुद्दीन जलीलपुर थाना मुगलसराय निवासी जो है पकड़ा गया है और भारी मात्रा में करीब 300-350 बोरी के आसपास की सीमेंट नकली जो कि एक दूसरे में मिक्सिंग की जा रही है पकड़ी गई है। इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी किया जा रहा है कि कहाँ से बोरी लाते हैं, कहाँ से इनको मिलावटी का सब सामान मिलता है, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।